Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and got this class all about MEG 01 final preparation. Yes, the final preparation of MEG 01, that's British poetry. So is paper ko kaise karna hai na last span of time. See the last span of time. Kai sare students jo kafi sare panic mode mein aa chuke hain, especially for this particular paper, kaise isko kaise karna hai, karne ka tarika kya hoga, hame kaun si cheeze on tip kar leni, and why should we need to prepare each and every block. Each and every block तब होता है जब paper होता है complete RTCs. I repeat, yes, we guys need to clear one thing in our mind कि अगर each and every block की बात करता हूँ, block 1 to block 10 की बात करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब मेरे पास complete RTC वाला paper आता है. अगर complete RTC paper नहीं है, in that case, yes, I can skip 2-3 blocks. तब मैं skip कर सकता हूँ. लेकिन सर अगर मैं कहूँ paper complete RTC आ गया, फिर क्या होगा सर, तो छोड़ना तो negative हो जाएगा. तो यहाँ दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कौन कौन सी पोइट्रीज मस्ट डू है, मस्ट डू फ्रॉम ईच ब्लॉक, वो यहाँ मेंशन करेंगे इस क्लास के अंदर फॉर यू दिसंबर टी एग्जामिनेशन. दैट्स ऑन फर्स्ट. सेकंड सर कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हमें ऑन टिप होने चाहिए सर, पता होना चाहिए ये वाले क्वेश्चन अगर आते होंगे तो हम बड़े आराम से चीजें क्लियर कर लेंगे. तो वो भी यहाँ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ कि यार ये क्वेश्चन हैं, ये आप ऑन टिप कर लेना, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे ब्लॉक वाइज. आई रिपीट, ब्लॉक वाइज ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हम ऑन टिप करेंगे. तो साथ साथ चलते हैं पोएट्री अलॉन्ग विद द ऐसे टाइप क्वेश्चंस. पोएट्री में आरटीसी कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व आरटीसीज. तो गाइज प्लीज बने रहे, आज लाइव सेशन है हमारा अराउंड 11:30. यस अराउंड 11:30. यस इज अ बिट लेट, बट दोस हु रियली कैन अफोर्ड टू स्टे टिल देयर, आई बी देयर लाइव विद ऑल यू गाइज. कम टू द फर्स्ट वन, द ब्लॉक वन. It's all about Geoffrey Chaucer. Yes, it's all about Geoffrey Chaucer from last three attempts, honestly. Sir, jo abhi last hua, usse last aur usse last, teenon mein Chaucer nahi aaya. Seriously nahi aaya. It doesn't mean ki nahi aa sakta. Prominent hai, dominant hai, and definitely paper ke most expected hai. So what we guys need to do, kuch zyada nahi karna, sirf aur sirf aapko karna hai general block to cantabiles. आई रिपीट, जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबीटीज. सर जनरल प्रोलॉग एक्चुअली क्या है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पिलग्रिमेजेस. जो पिलग्रिमेज है उनके इंट्रोडक्शन है. कैंटरबीटीज अगर बोलते हैं सर कंसिस्ट करती है जनरल प्रोलॉग को. जनरल प्रोलॉग किसके हैं, नाइट का, मिलर का, रीव का, कुक का, सर मैन ऑफ लॉ. आई रिपीट, मैन ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉन्क का, फेरी का, सर समनर का, सर आई मस्ट द मर्चेंट एंड स्केरडे. Merchant and scare, sir, knight, you cannot leave the knight. Second nun priest, nun priest and second nun priest. Physician, we have the Allison. Canon, yeoman, peeress, sir, peeress paper mein aata hai. Definitely aata hai, main usko mention karta hun. Then we have the major thing that we guys need to do is, are we going to do the tales and prologue of each and every? No need at all. General prologue ko achche se kar lo, aapko concept pura clear ho jayega. Along with this, just do non-priest tale. Sir, non-priest tale is a part of cantabiles. Yes, it's a part of non-priest. Lekin aapne non-priest ko kar lenge. Sir, second wali bol raha, non-priest bol raha. Yes, I'm talking about Pertitude and Chandisler. Unki baat kar raha hun. Us tale ko aapne karna hai. तो गाइस जो दिमाग में लगाते हैं कि यार ये हमें आना चाहिए, ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, उसके पॉइंट्स को हम कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होगा, वो सब आपको ऑन टिप ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए. पहला पॉइंट क्लियर. जंप अप टू मेजर टर्म्स. सर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से मुझे करना होंगे. सीरियसली द ऐसे टाइप क्वेश्चन दैट आई नीड टू डू, नेम द थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ चौसर्स वोकैबुलरी. आई होप नाउ यू गाइस आर राइटिंग. नेम द थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ चौसर वोकैबुलरी, उसको ऑन टिप कर लेना. ये आप लोग लिख लेंगे तो आपको याद आएगा. हाउ डज ईच सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट. यस, हाउ डज ईच सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज पोएट्री. हर सोर्स उसकी पोएट्री में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है. यस, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और क्लियर करना है. तो भाई उसके तीन मेजर सोर्सेज बताने हैं और वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी पोएट्री में, ये क्लियर करना है. जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इंडिविजुअल्स, आई रिपीट, व्हाट इंडिविजुअलाइजेस द पोर्ट्रेट ऑफ कैरेक्टर. The plot to the Canterbury's, portrait of the character.
प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, वो आपको क्लियर होना चाहिए। यस दैट मस्ट बी क्लियर टू यू कि क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, वो करेक्टर्स को डिफाइन करता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोलॉग्स, जो इंट्रोडक्शन दी है उसने, ये उसकी बात कर रहा है। हाँ, करेक्टर डिफाइन किया है, करने का तरीका क्या है। नंप्रीस टेल को एज अ फैबल क्रिएट करना है। डिस्कस चौसर हैंडलिंग ऑफ फैबल। फैबल मीन्स द नंप्रीस टेल, इट्स अ बीस्ट फैबल गाइस, यू नीड टू क्लियर दिस। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक वन में स्टॉपेज, तीन क्वेश्चन मोर देन अफ है। अगर ये तीन कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, आप इसको साइड अप कर सकते हो। सर दोबारा क्लियर करते हैं, फ्लैशबैक में आते हैं। तो हमारे पास जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स एंड नंप्रीस टेल पार्ट वन नॉट टू, हमें ऑनटी पॉइंट फॉर आर्टिसिस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बोले, तीन मेजर सोर्स बताया मैंने वोकैबुलरी के चौसर के लिए, उनको कैसे यूज करता है, हाउ ही यूज ऑल दैट। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि वो पोर्ट्रेट कैसे करता है कैरेक्टर्स को, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कि नंप्रीस टेल एक बीस्ट फेबल है। तो ये तीन क्वेश्चन थे जो आपको क्लियर करने थे। ये तो गया ब्लॉक वन। ब्लॉक वन के लिए अब कई स्टूडेंट हैं, सर हमें तैयारी कैसे करनी है, हाउ आर गोइंग टू क्लियर, मैंने सर आज ही शुरू किया। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, सारी की सारी वीडियोस। आप चैनल पे जाओ, अगर पहली बार आया तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, गो टू वीडियोस, वहाँ से वीडियो उठाओ, उसको देखो। जब वीडियो देखते हो पेज को थोड़ा स्लो करना ताकि आप साथ साथ लिख पाओ, जो जो बातें मैं बोलता हूँ वो लिखो, उसको क्लियर करो। दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग ऑन, वॉन्ट टू हैव नोट्स, नीचे नंबर आ रहा है, आप लोग नंबर कनेक्ट करो एंड गेट इट एज सून एज पॉसिबल। जाम टू ब्लॉक टू। सर ब्लॉक टू में आता है एडमिन स्पेंसर। यस एडमिन स्पेंसर, सर तीन चीजें हैं जो हमें क्लियर करनी है एडमिन स्पेंसर में। सबसे पहले एमरेटी के तीनों सोनेट्स ऑन टिप पहुंची, एमरेटी के तीनों सोनेट्स। अगर वो तीनों सोनेट्स आपको क्लियर नहीं है सीरियसली, अगर वो क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, कि वो तीनों होने चाहिए आपको क्लियर, ताकि आप चीजों को समझ पाओ, यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक नॉर्म्स, चीजें क्या हैं, कैसे करते हो, करने का तरीका क्या होता है, क्या बेसिक फ्लो अप है, वो आपको देखने पड़ेंगे। यस यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए सीरियसली। एक एक चीज आनी चाहिए, जिसमें सोनेट नंबर 34, सर वो सोनेट नंबर 34 सर दैट वॉज अ लॉस्ट शिप। यस द लॉस्ट शिप, एक शिप जो खो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा एक्चुअली आप कहाँ, आपको डायरेक्शन का समझ नहीं आ रहा, यू नॉट गेटिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं मिल रही आपको, बिकॉज नाउ इफ यू आर इन लव विद समबडी एंड नो रिस्पॉन्स आर बीइंग कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, किस तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस इट वाज टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ बॉयल, हिज सेकंड वाइफ, स्पेंसर सेकंड वाइफ, वो उसकी बात कर रहा है और वो ही वाज लॉस्ट कि यार एक्चुअली क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। 67 जहाँ तक हार के हंट कर रहे हो लेकिन आपके हाथ में शिकार नहीं आ रहा, आप फाइनली कहते हैं कि बस छोड़ दो यार, फेड अप, और तभी आपके सामने आके खड़ा होता है डियर काम एंड हार्ट पे, डियर काम एंड हार्ट पे, ये वो शिकार है जिसको हाईलाइट करता है। एंड द थर्ड पार्ट व्हेन यू गेट मिंगल्ड विद योर लव, यस यू गेट मिंगल्ड विद योर लव, तो उसको बताया, उसको हाईलाइट करता है। तो हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, चीजें कैसे करनी है, करने का तरीका क्या है, ये फॉलो अप। ये तो हो गया सर किसका पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारे पास एमरिटी के तीन सोनेट्स का। फिर आते हम एपिथेमेलियन पे। This is the courtship. Yes, 24 hours of his courtship when he was going to get married to Elizabeth Boyle, second wife. तो courtship को define करता है। Edmund basically highlight करता है इस poetry को लिखने का reason था, उसने gift की थी bride को अपने, जो बनी थी Elizabeth Boyle थी। अब यहाँ पर on wedding day, तो poem जो है move करती है from the couple's wedding to the events as per the hours. The 24 hours have 24 stanzas. Yes, the 24 hours known as with 24 stanzas. Spencer is very much methodical in depiction the time. Yes, he was depicting the time. Matlab from the beginning till the last, he tell you each and everything. Jisme senses ko feel karte hain, anticipation of fear highlight hota hai. Wo sab bataya usne. Is samajh really so eager to tell everything about his first night too in that particular poem. That's epithymelion. One of the masterpiece, seriously, this shows that Edmund Spencer was somehow on the top of poetry. Ye epithymelion proof kar di. And the epithymelion, prothymelion, both are the nuptial songs. So nuptial songs, the songs, those are being based on weddings. Second jo hamara hai, that's the
एपिथेलियल का था प्रोथेमेलियन, वो कुछ नहीं है, वो एक वेडिंग पे गया, जिस वेडिंग पे जाने पर उसके ऊपर वो एक पोइट लिखता है जिसको नाम देखे प्रोथेमेलियन। तो एपिथेमेलियन इज अ डिफरेंट पार्ट, प्रोथेमेलियन इज अदर, दोनों को डिफाइन करता है। प्रोथेमेलियन के 10 स्टैंजास हैं, नेम्स की बात करता है, सीरीज अप्सराओं की बात करता है, तो आपको इजिली आइडेंटिफाई होगी। ग्रीक गॉड गोडेसिस को मैंशन करेगा, आपको ईजिली आइडेंटिफाई होगा जब आप टेक्स्ट को रीड करते हो, आप बड़े ईजी ग्रैप कर लोगे, हाँ यार ये टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं और हम इसको क्लियर भी कर रहे हैं, वी गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। यही आपको चाहिए और कुछ अलग नहीं करना आपने। दिस इज द ईजीएस्ट थिंग दैट यू गाइस कीप हियर व्हाइल डीलिंग विद एग्जामिनेशन, कीप हियर ताकि आप आराम से चीजों को ग्रैप कर लो। दिस इज द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिकॉग्नाइज स्पेंसर पोएट्री। तो स्पेंसर की पोएट्री यहाँ क्लियर होती है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमें समझ आता है क्या क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, ये सब आपको ऑन टिप करता है या हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी है गाइस, इसको आपने करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस अब ब्लॉक टू के भी होंगे। मैंने कहा ना सारी पोइट्रीज और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। अब किसी बच्चों को लगता है कि यार सर मेरे को ये वाला टेक्स्ट क्लियर नहीं है, मेरे को ये वाली पोइट्री क्लियर नहीं है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर, सर नहीं हो रहा पॉसिबल, तो कमेंट बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए गाइस, कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी वो वीडियो तैयार करके दूँ। अभी तो बच्चे बहुत नाराज हैं वैसे कि सर हमने वो भी वीडियो किए, वो भी वीडियो किए, यस सम हाउ आई एम एंगेज, बट मैं कोशिश करूंगा कि चाहे रात को ज़्यादा होके आप लोग लिए वीडियोज तैयार करूँगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री विद द एमरिटी सोनेट्स, आई होप यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हो तो मैं धीरे बोलता हूँ। Would you agree that Amrity sonnets by Spenser, Amrity sonnet by Spenser are replete with images of sensuality? Yes, replete with the images of sensuality. Provide a detailed answer covering the poet, the beloved, age when he wrote all that. अब मैं बोलूँ सर मेरे को बहुत ईजी आंसर है, ये एपिथेमेलियन बेस्ड है पूरा, ये आंसर पूरी से एमिथेमेलियन बेस्ड है। आप कई लोग बोलते हैं सर मैं इसमें एमिटी डाल दूँ, येस यू कैन ऐड एमिटी, क्योंकि एमिटी से ही तो शुरुआत हुई, यू मस्ट ऐड सेंसुअलिटी ऐड होती है, सेंसुअलिटी को बताया उसने, पूरा क्लियर किया कॉन्सेप्ट को बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ क्या बोलता है वो सेंसुअलिटी की बात करता है। सेकेंड कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर, आइडेंटिफाई द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दैट शेप्ड स्पेंसर कैरियर एज अ पोएट, वो कौन से फैक्टर्स थे। सर फैक्टर्स तो सीरीज से आई नीड टू क्लियर, फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कॉन्सेप्शंस, यस उसका कॉन्सेप्शन, पेस्टोरिक पोएट या ही वॉज अ पेस्टोरिक पोएट, ही वॉज अ लर्न वेल वर्स्ड इन लिटरेचर या ही वॉज, स्ट्रक्चर स्पेंसर इन स्टेंजा, सर स्टेंजा एज वेल एज सोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उसके फीचर्स हैं। सर्विस टू इंग्लिश वर्सिफिकेशन, उसने की वर्सिफिकेशन किया, हाईलाइट करता है चीज़ों को बताता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सर फिर मैं क्या कहता हूँ एमिलेटी और एपिथेमेलियन के एक्सप्लेनेशन भी ऐड ऑन कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। तो इतना कुछ डाल दिया सर आपने आंसर में, इतना कुछ तो नहीं बताना, करना क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोलना। जो बच्चे जरूर से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतना कुछ, जो बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर लेना चाहते हैं वो क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में मैंने जो बोला उस बेसिक को दोबारा से दिमाग में समझो। क्वेश्चन था आपका एक सिंपल से वर्ड्स में, उसने आपसे बोला आपको बोलता है आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स शेप्ड स्पेंसर कैरियर एज अ पोएट, वो कौन से फैक्टर थे। ही वॉज अ लाइवली पोएट हु डील विद विट एंड ह्यूमर, ही यूज सेंसुअलिटी इन हिज राइटिंग, ही डू राइट डाउन द बेसिक नॉर्म्स विद अ कॉन्सेप्शुअल वे, यस द बेसिक नॉर्म्स इन अ कॉन्सेप्शुअल वे दैट इज मोर अट्रैक्टिव और somehow get indulged in a personal feelings, वो आपको mention करना है, then you can give the reference or any of the poetry or the works of his, आप चीज़ों को clear कर लेते हो। Next one, comment upon Renan's element poet to Edmund Spenser, Renan's element ये तो easy, इस Renan's element है उसके language में, उसको clear करना है, उसको बताना है। Last one, the least, यहाँ कई लोग बोलते हैं कि Spenser जो है he become like language becomes a servant, willing servant to Spenser's while he is writing the poetry, कई लोगों ने बोला उसके लिए, तो कुछ गलत नहीं है, यहाँ he is writing the poetry in that way only, that language becomes a servant, a willing servant, क्योंकि उसका flow चीज़ों कैसे लिखता है, how he ported the things, वो आपको clear करना है। Last one, the least from block number 2, आपको Edmund
स्पेंसर के दो वर्क्स कौन से, प्रोथेमेले और एपिथेमेले में डिफरेंस को क्लियर कर लेना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफर्म आएगा एंड यू गाइस नीड टू नो कि क्या है, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें सीरियसली बहुत हेल्प करती है जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं वो समझ पाते हैं। आई होप इट्स बीन क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। अब पेन तेजी से चलना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेटाफिजिकल में क्या क्या पढ़ने वाले सर, सर कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। टेकमेन गार्डन को घूर के मिलना, टेकमेन गार्डन सर वाई टेकमेन गार्डन सीरियस दिस रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट, यस दिस रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपने माई लास्ट डचेस पढ़ी नहीं पढ़ी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप क्या करो टेकमेन गार्डन को बिलोंग करो उसके बिलर से। सर बिलर कौन थी, रूमर्ड थी, रूमर्ड सर वो कौन सी थी, डचेस ऑफ बेडफोर्ड, यस डचेस ऑफ बेडफोर्ड सर लूसी की बात कर रहा हूँ। तो आपको दिमाग में चाहिए सर वो रीडर्स को डिफाइन करता है, डोन पोएट्रिक स्टाइल में बात करता है टेकमेन गार्डन की, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो उसके हिसाब से चल रही हैं। ही वॉज नॉट एबल टू कॉप अप इमोशनल पॉम है, इमोशनल लेडी हैज बिट्रॉयड हिम इन लव। एक आदमी जब जरूरत से ज़्यादा प्यार में पड़ जाता है और ही गेट बिट्रॉयड इन लव, अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं कहते हैं पीस ऑफ माइंड लाने के लिए वो इधर उधर घूम रहा है, इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो जगह मिलती है टेकमेन गार्डन, उसको हाईलाइट करता है, जहाँ वो मोक करता है उस लेडी को, मेंबर प्रिजर्व सेक्स एंड सेज अपेरेंट फुल स्किल्स किल्स हिम, मीन्स वैन यू लव समबडी ट्रूली इट किल्स यू डेली। ये मैसेज था उस पोएट्री का टेकमेन गार्डन। देन गुड मॉरो सर अगेन वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, जब मॉर्निंग का मतलब उसके लिए अलग है दूसरे कंप्यूटर, वो यहाँ उस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, वो अपने बिलव के साथ है, मैंने वेक अप तो चीज़ें अपने हिसाब से समझ रहा है। सर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सच है उसकी एक पोइट्री है सन राइजिंग सर, वो इम्पोर्टेंट है, दिमाग में आती है, पढ़ो छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। द एक्टसी करनी करनी है आपने, एक्टसी कहीं ना कहीं डील करता है पोइट की फिलोसफी ऑफ लव को, यस इज डू डील विद द डोंट्स फिलोसफी ऑफ लव। सर उसके फिलोसफी ऑफ लव क्या है, स्पिरिचुअल कितना है, यूनिवर्स सोल्स की बात करता है, हाउ एक्टसी हाउ द मोमेंट दैट ही इंजॉयड, वो एक्टसी में डिफाइन किया उसने। ये सारी पोएट्रीज की वीडियोज ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे, सारी पोएट्रीज की यू कैन गेट इट ऑल गाइस। तो टेंशन लेने बिल्कुल जरूरत नहीं है, चीज़ों को क्लियर करो, क्लेम करता है कैंपस को, लव फॉलो करना, ये सब एक्टसी में बताएगा। देन द कैनाइजेशन, लव लव मेक यू बिलीव इन यू, कैनाइजेशन सर कैनाइजेशन कहीं ना स्पीकर जो हमारा पोएट है, एक स्पीकर है जो मिडिल एज गाय है, यस अ स्पीकर हु इज अ मिडिल एज गाय, बट टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम बाय लेट इन रिलेशन विद समबडी। सर समबडी डेफिनेट गर्ल, उसको हाईलाइट करता है। जैक टू लवर्स जो कैनाइज होते हैं ना लव के साथ, वो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, प्योरीफाइंग फोर्स होती है, यस लव इज अ प्योरीफाइंग फोर्स जो मैंशन करता है कैनाइजेशन, जिसको अलग वर्ष आप बोलते हो सर। कई जगह इसे एक होली मिशन के नाम लिया गया। तो कैनाइजेशन पोर्ट्रेट करता है लव एज अ स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन पावर, यस कैनाइजेशन कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट करता है लव को एज अ स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन पावर दैट मैग्निफाइज द स्पीकर अलॉन्ग विद सर्टेन नॉन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो देख रहा है चीज़ों को कैसे क्लियर करता है। तो यहाँ पोएट्री अपने आप एक मीडियम का काम करती है, जो पोर्ट्रेट करती है कई सारी जेन्युइन लव रिलेशनशिप को, वो यहाँ डिफाइन किया गया। तो हमें ये ऑन टिप होना चाहिए सर। मेटाफिजिकल ब्लॉक जो है ना हमारा पांचवा ब्लॉक नंबर 5 सबसे ज्यादा पोएट्रीज है इसमें अलॉन्ग विद ब्लॉक नंबर 10, लेकिन मैं आपको बोलूँ ये सबसे इजी ब्लॉक है क्योंकि पोएट्री सारी छोटी हैं और इजिली क्लियर होती है। द पुली सर, द पुली अगर मैं जॉर्ज हर्बर्ट की बात करता हूँ रिफ्लेक्ट करता है विजडम को, गॉड लिविंग विजडम सर टेंडर लव है, उसने सब कुछ दिया आपको, सब कुछ गॉड हैज गिवन यू एवरीथिंग, जो आपको जीता गॉड ने सब कुछ दे दिया, वेल्थ सीरियसली वेल्थ पावर फेम, बट पीस ऑफ माइंड उसने रोक लिया। जब पीस ऑफ माइंड भी देता तो आप गॉड को याद ही नहीं करते यार, यू विल नेवर नेवर एवर रिमेंबर गॉड, क्योंकि आपके तो सारे काम तो हो गए सर। देन व्हाई यू बॉदर टू रिमेंबर गॉड, सीरियसली गॉड को याद करके क्या करना है, there's no need to remember God, that's the story of the pulley, वो पुल करेगा आपको, उसको हाईलाइट करता है। द बेस्ट पोएट्री ऑफ मेटाफिजिकल रिडम्पशन सर, रिडम्पशन जेम्स, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू टर्म, आई वॉन्ट टू स्टार्ट
और एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं, मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है, ये रिडेम्पशन कहलाता है। रिडेम्पशन हाईलाइट करता है बेसिक्स को। यहाँ वो जो बंदा है ना वो चाह रहा है अपने लैंडलॉर्ड से मिलना चाह रहा है कि मुझे पुरानी डीड को कैंसिल करो, नई डीड बनवानी। ये बंदा एक्चुअली लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा है, गॉड की बात कर रहा है। कोई कोई घर की बात नहीं कर रहा, ये उस बॉडी की बात कर रहा है जिसमें से सॉल है, इसको चेंज करना चाहता है। ये गॉड तब करेगा जब आपकी टाटा होगी और आप दूसरी सॉल में ट्रांसप्लांट हो गए, दूसरी बॉडी में आपकी सॉल जाएगी, और तब आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। लेकिन ये जाता है कहाँ, हेवन में जाता है, वहाँ पता चलता है गॉड ऐसी जगह गए जो उसने खुद बनाई थी बड़े प्यार से, तो अर्थ ही हो। आज पाके गॉड को ढूंढ रहा है, हर जगह ढूंढ रहा है, गॉड कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ मिलेगा फाइनली गॉड, कहाँ मिलेगा गॉड? मिलेगा सीरियसली, मिलेगा कहाँ? मिलेगा सर वहाँ जहाँ मर्डर्स हैं, रॉबर्स हैं, सीरियसली वहाँ है गॉड। यू आर शॉक टू सी गॉड देयर, बट गॉड के सब एजेस है ना। यस गॉड उस देयर, तो वहाँ उसको गॉड मिलता है, और उसके बाद इसकी जो डीड है ग्रांट की जाती है, पुरानी डीड को कैंसिल किया जाता है, नई डीड पास कर दी जाती है। दैट्स द एंड ऑफ द पोएट्री। सो आपने कहा सर रिडम्पशन, तो ये है हमारे पास दो डोमिनेंट पोएट्रीज। सर एक पोएट्री वो डोमिनेंट है इसकी, एफ्लिक्शन। आर यू गोइंग टू डू ईच एंड एवरी पॉइंट? नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट, यस, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट यू कैन डील विद ईच एंड एवरी पॉइंट। जिनको लगता है पोइट्री को पढ़ना मुश्किल है, तो पोइट्री की कहानी को जानना जरूरी है। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री। अगर आप किसी स्टोरी को समझना चाहते हो तो उसके पीछे की स्टोरी को जानो पहले। यस, इफ यू वॉन्ट बी अ मास्टर ऑफ पोइट्री, फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री सो दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट टेक्स्ट। ये सबसे जरूरी है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो, आई प्रॉमिस गाइस दैट यू बी एबल टू क्लियर एंड अंडरस्टैंड एवरी पोएट्री विदाउट एनी हर्डल्स। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट्स अफ्लिक्शन। अ पॉम और द पोएट, आई रिपीट, यस, अ पॉम एंड द पोएट मिट्स अंडरस्टैंड द लव, लव ऑफ गॉड। जब भगवान के प्यार को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर मीनिंग से, कैरियर को कन्फ्यूज हैं, रेस्टलेस हैं, कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पाए चीज़ों को, तो गॉड को लेके डिस्टर्ब है। एवरी अदर पर्सन मॉडर्न वर्ल्ड इज डिस्टर्ब, कहीं ना कहीं हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। द स्टेशन अलॉन्ग इज द वे द ग्रेट हाइट्स, एकेडमिक हो सकते हैं, शायद लाइफ में काफ़ी प्रिटर्ब हैं, जहाँ आपको इलनेस है, अवेकन आप हो चुके हैं, शॉर्टनेस ऑफ लाइफ है, चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे चेंजेस को, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली दिस पोएट्री डू टेल यू अबाउट द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, about being transformed by suffering and becoming more Christ-like because of them. कई लोग हैं ना जो कहते हैं ठीक करना है तो उसकी जैसे बन जाओ, that's affliction. Yes, that's affliction for all of you. तो आप कैसे करते हो करने का तरीका है। नेक्स्ट पोएट्री है एंड मावल टू इज कॉय मिस्टर्स, सही से उसका मास्टर भी बोलते हैं। यू विद अ गर्ल एंड यू वॉन्ट टू हैव सेक्स विद हर, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हर, कुछ ही बोलो कुछ ही बोलो, बस उसको कन्विंस करना है, किसी तरह से आप ट्राई करो कि वो कन्विंस हो जाए टू गेट इंडल्ज विथ यू। तो उसके लिए आप कई सारे उसे एक्सक्यूजेस, नहीं सर क्या दे रहे हो आप, रीजंस बता रहे हो कि यार ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, अगर तू ये नहीं करेगी तो तेरी बॉडी को ये हो जाएगा एंड ऑल दैट। ऑनेस्टली ऑल पॉन्स एंड कॉन्स सारे टूल्स यूज कर लिए इस पोएट्री के अंदर टू मेक अ कन्विंस टू हैव सेक्स विद हिम। That's to his core mistress. Easiest and easy to understand poetry. The next one, the garden. The last poetry for metaphysical. Garden, sir, nature ki beauty ko define karta hai. Plain poem hai, series of plain poem. Jo nature hai, nature ki beauty, poet kahan jata hai, cheezo clear karta hai. Teen garden, usko dekhna, uske baad cheezo dispose karna, pleasure ko clear karna, जब लाइफ को एक्शन को डिफाइन करता है, लाइफ में क्या चल रहा है, चेंजेस क्या रहे हैं, एंड हाउ मैन मेक मिस्टेक्स इन लाइफ एंड स्पेंडिंग द सर्टन नॉर्म्स, उनको कैसे ऑनर करता है, वो सारी चीज़ें गार्डन में बताई गई। यस वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये सारी चीज़ें हो रही है गार्डन के अंदर, और हमें एक एक पॉइंट ऑन टिप होना चाहिए तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू डू फ्रॉम ब्लॉक नंबर 3। सो आई होप आपने सारी पोएट्रीज देख ली हैं कि ब्लॉक 3 की कौन कौन सी पोएट्री मैंने बोली। जम करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
So the next part is essay type questions from block 3. कौन कौन से essay type question हैं जो हमें block 3 से करने हैं? Critical appreciation of two score mistress in the garden. ऐसा question expected है आ सकता है. Critical appreciation of two score mistress in the garden. The next that we guys need to understand sir, सबसे अच्छा question जो मेरे को लगता है वो है SS Andrew Marvell. SS Andrew Marvell as a political poet, as a writer of philosophy and love poetry. So, उसे आपने एक political poet भी कह दिया और as a writer of philosophical and love poetry भी कह दिया. So, how would I am going to clear this? Andrew Marvell पढ़ा आपने? सर अभी भी पढ़ा. अच्छा, उसकी poetry में उसने class को define किया. He defined the class. उसने कुछ चीज़ें बताई जो हमारे लिए important थी. जैसे उसने एक स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपको उसकी पोएट्री की लाइन याद हो, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ द टाइम द कॉइनस लेडी वर नो क्राइम टू इज कॉय टू द कॉइनस. सर वो मिस्टर्स की बात कर रहा है जहां उसे परस्यू कर रहा था सर, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था. यस, तो पॉलिटिकली खेल रहा था यार. तो ये हमें समझ आ जाए कि पोएट्री कैसे की जाती है. ही वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अ लॉन्ग लव स्टे. ऐसे आप आंसर में जब इन बिटवीन द टेक्स्ट यूज कर देते हो. नॉर्मली सर इट्स नॉट पॉसिबल इन लास्ट 10 डेज दैट वी आर गोइंग टू लर्न दीज लाइंस टू कि हम उनको कैसे यूज करेंगे. नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर आप कर देते हो तो गुड, अगर नहीं करते तो किस तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये आपको क्लियर करना है. फिर आप बोलते हो सर हम एग्जामिन करते हैं किसको. सर डोंट की, हर्बर्ट की और मावर की पोएट्री को वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री डेफिनेट अलग है, उसकी क्लास अलग है. तो सीधा तो फीचर तो मेटाफिजिकल पोएट्री बोलते हो, कुछ गलत नहीं है. वो सब आप जानते हो, बड़े आराम से आप लिख सकोगे. जॉन डॉन का पोएट्री मीडियम क्या रहेगा, चीज़ों कैसे क्लियर करता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको आने चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए. दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू. चलो सर ये तो डन. तो फर्स्ट थ्री ब्लॉक हम एक चीज़ लिख के देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट थ्री ब्लॉक कर लिया ना तो गाइस कुछ हो करने की जरूरत नहीं है. अब आप बड़े आराम से चलोगे कि अब ब्लॉक 4, 5, 6, 7, 8 बड़े ही क्रीमी ब्लॉक है. काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं यार, ये करना है, वो करना है, ये करना है. सबसे आसान है MEG 1 गाइस. तो अगर आपने डर को यहां बिठाना है तो चॉइस इज योर्स. मैं किसी को नहीं रोक रहा, जिसको यहां बिठाना है यहां बिठाए, यहां बिठाना है यहां बिठाए. बट सीरियसली डर वाला पेपर नहीं है एट ऑल नहीं. नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 4, फर्स्ट पोएट्री जो आपने करनी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. सर ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी दिस पोएम कनेक्ट्स द इनकार्नेशन विद क्रिस्ट क्यूरिफिकेशन. भगवान के पुनर्जन्म की बातें करता है कि भगवान दोबारा अवतार लेगा, चीजों को क्लियर करेगा. दैट्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. जब वापस आएंगे तो ये होगा, डेफिनेटली ये होगा. The poem deal with nativity and incarnation of Christ, Milton believe the two were connected. दोनों ही connected हैं. So, उसने क्लैरिफिकेशन की बात की. किस क्लैरिफिकेशन ऑफ क्रिस्ट, पर्पस क्या था. मिल्टन की पोएट्री हमेशा गॉड से रिलेटेड होती. मिल्टन अगर मैं बोलूँ सर रिलीजियस पोएट है तो कुछ गलत नहीं है. ही एकदम रिलीजियस पोएट, उसकी सारी पोएट्री होती है. सर पैराडाइज लॉस्ट इज ग्रेट एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट 9 पार्ट्स हैं उसके. देन मिल्टन रियलाइज द कनेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एंड द बेसिक नेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड. क्या चल रहा है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं. एंड ही डू कनेक्ट पैरिस लॉस्ट विद दिस पर्टिकुलर पोएट्री. तो इजिली क्लियर होती है, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए. द नेक्स्ट वन लिसिडस. यू मस्ट नॉट अवॉइड दिस पोएट्री, यू मस्ट डू दिस पोएट्री. लिसिडस पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं. ये सब मोरिंग है. यस मोरिंग एलिगी नहीं है, बट किसी की याद में लिखी गई है. समबडी डाइड, एक यंग मैन, ऑनेस्टली यंग मैन who is about to embark carries a clergyman adopting the conversion pastor and all that and died. Yes, he died. तो poem जब शुरू होते तो यहाँ पे जो poet है हमारा, he was collecting the leaves for funeral listeners. वो leaves collect कर रहा है. Yes, he was collecting the leaves. And plus the berries had not been yet ripped. वो berries उठा रहा जो ripped नहीं हुई. Killing them before the season. भाई उनको पकने तो दो यार. आप पकने से पहले उनको तोड़ रहे हो तो आप तोड़ सीरियसली वो काम करो. लाइक लिसिडस द प्लांट्स डाई टू यंग. वो भी मर गया, प्लांट्स को भी टू यंग मार रहे हो. उनको जीने दो यार, देयर लाइफ इज देयर. लिसिडस द मैन हु डाइड इन यंग एज एंड नाउ ही इज रिमेम्बरिंग ऑल दिस. व्हाइल रिमेम्बरिंग दिस ही वाज डूइंग द सेम एक्ट जो उसके साथ हुआ विद द प्लांट्स.
So then the speaker states the address is a series of figures in ancient world. जैसे सर नेम्स की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करता है, आप इसे आइडेंटिफाई कर दो. लेटेस्ट में हाईलाइट किया गया, उसने कहीं ना कहीं लेटेस्ट को हाईलाइट किया विद अ सर्टेन नॉर्म्स. उसके फ्रेंड जो अब नहीं रहा एंड ऑल द हार्ड वर्क ही पुट ऑन अर्थ टू वर्थलेस बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अचीव द फेम बिफोर ही डाइड. तो एक आदमी फेम अचीव करने से पहले मर गया तो सब जो उसने काम किया बेकार हो. यस यू नीड टू अचीव द फेम बिफोर यू डाई. ये सबके लिए इम्प्लीमेंट है, आपके लिए मेरे लिए भी. Lycidas, the major poet. Then we have the L. Allegro, L. Pensero. Companion poems, dono. So, dono ko clear karna zaruri hai. Dono poems ko humein define karta hai. Dono ko likhne wale John Milton hai. Dono poems taken opposite sides and debate whether it's the best to live a careful life and contemplative life. Kaise jeena chahiye? Carefree life ya contemplative life. Speaker L. Allegro ki baat karta hu. Yahan pe baat karta hai. Are you living a full of life pleasure with the speaking? इन एल पेंसेरो वो कहता है जहाँ लाइफ की डेडिकेशन और स्टडी की बात करता है. एक में वो केयर फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं, एक में वो डेडिकेशन टू स्टडी की बात कर रहे हैं. दोनों पॉइंट को साथ लेके चलना चाहिए, दोनों में ही डिस्कशन है. दोनों कॉन्स्टेंट डायलॉग्स को बताते हैं, दोनों मिथ को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों सैडनेस के बारे में बात करते हैं, दोनों बात करते हैं लाइफ में काफ़ी कुछ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. देन दोनों में एक जगह एक्सपीरियंस की बात करती है, एक में पूरी तरह से फ्रीडम की बात करती है. तो एल एलिग्रो एल पेंसेरो यू गाइस हैव टू डू. दोनों पोएट्रीज ही आपको क्लियर करेंगी सारी चीज़ें. सो दीज आर दी पॉइम जो आपको करनी है. सर गिनती की पॉइंट बताई मैंने, आप लेसिडस ऑन द क्रीज नेटिविटी, एल एलिग्रो एल पेंसेरो, चार पॉइंट्स. यस चार, जस्ट चार ब्लॉक, चार पॉइंट विचार. आई होप सबने लिखा सर. ब्लॉक वन एक पोएट्री कैंटरबी डेज जर्नल ब्लॉक था, साथ में आपने एनपीटी डाल दी. ब्लॉक टू स्पेंसर हमारे पास क्या है सर, गिनती की तीन पोएट्रीज है, एमबीटी की तीन सोनेट एप्थमिलन पोथमिलन. देखो कितनी पोएट्रीज लिख लेना है या फिर बाद में भूल जाओ तो मुझे बोलना कि सर आपने बताया नहीं. देन ब्लॉक थ्री पे है सर, मैंने डोमिनेंट पोएट्रीज की बात करूँ, मैं सबकी बात नहीं करता, डोमिनेंट की बात करता हूँ. मैं टू स्कॉय मिस्टर्स को करूंगा, डेफिनेटली दिमाग में रहेगा. टेकमैन गार्डन की बात करूंगा, गुड मॉरो की बात करूंगा. यस दिस इज रिडम्पशन पुले एफ्लिक्शन, बाकी मैं किसी की बात नहीं करता. ये डोमिनेंट है, गिनती की छह बताई मैंने. यहाँ पे चार पोएट्रीज आई, तो कितनी, छह चार दस दो बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह पोएट्रीज फर्स्ट फोर ब्लॉक्स, फिफ्टीन जस्ट फिफ्टीन नॉट मोर देन. नाउ इफ यू से सर दिस अ ह्यूज कोर्स that is still pending, then definitely lots of things that you have still pending. आपने देखी नहीं फिर. It's not important to work hard, but it's important to work smart. If you really want to get maximum in small, short of time, just short time, then you need to work smart. Questions that you guys need to do for this particular paper, essay type block 4. Number 1, critically evaluate Lycidas as an elegy. Yeah, it's an elegy. मैंने पहले बोला वो elegy है, वो याद कर रहा है, उसको define कर रहा है. सर इसके अलावा कुछ और नहीं लिखता, कोई और नहीं लिखता, सब चलता है. सीरियसली आपको ऑन टिप होना चाहिए. तो आपने कहा सर Lycidas को एज एन elegy बताना है, वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड क्या है उसके कॉन्सेप्ट, क्या है कैसे क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. मेरी जरूरी है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझना, कैसे है क्या करेंगे, कैसे समझ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आई होप थिंग्स आर क्लियर. जंप टू नेक्स्ट पार्ट, ब्लॉक नंबर 5. सब ब्लॉक नंबर 5 हमारे पास आता है मैक फ्लेक्नू, द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन. अब वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन मुझे ऑन टिप पहुंची है सर, मैक फ्लेक्नू मुझे कंफर्म करनी है. सटाया, यस सटाया, किसी इंसल्ट कर रहा हूँ मैं, मैक फ्लेक्नू की इंसल्ट कर रहा हूँ जो एक नंबर गधा है, अपनी गधे वाली पोस्ट अपने बेटे जो उससे बड़ा गधा उसको दे रहा हूँ. यस एक गधा दूसरे गधे को बड़ी वाली पोस्ट दे रहा है. तो आपने कहा यार ये तो सीरियस इंपॉर्टेंट है, मुझे समझना जरूरी है चीज़ों कैसे क्लियर करना है क्या है. तो मैक फ्लेक्नू हाईलाइट करता उस कॉन्सेप्ट को. तो आपने कहा सर इसको क्लियर करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है मैक फ्लेक्नू, उसके चेंजेस क्या हाईलाइट करते हैं. इसमें एक लाइन है जो आप घोट के भी जाना, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन द फेट समंस मोनार्च मस्ट ओबे. आई मस्ट रिपीट दीज लाइंस, कह रहा ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समंस मोनार्च मस्ट ओबे. भैया जब सबका टाइम आया तो फॉलो करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा.
Second poetry is all about epistle Dr. Arbuthnot. So epistle Dr. Arbuthnot भी अपने फ्रेंड के लिए, ये भी एक सटायर है, वो इसने एड्रेस किया अपने फ्रेंड जॉन आर्बुथनॉट को. डॉक्टर आर्बुथनॉट ने अपने फ्रेंड को की जिसका नाम था सर जॉन आर्बुथनॉट. तो आपने कहा सर पॉप की पॉम है, चीजों को क्लियर करना है, समझना भी इम्पोर्टेंट हमारी. द एपिस्टल इज एपोलॉजी. यस इट्स एपोलॉजी. कहता विच पोप डिफेंड्स द वर्क अगेंस्ट द अटैक ऑफ नाउ सर द डिटेक्टर्स पर्टिकुलरली द राइटर्स. कौन से राइटर्स थे? लेडी मैरी वॉथरी, जॉर्ज एडिसन था और जॉन हार्डी हेनवे. इनके बारे में मेंशन किया उसने. तो आप इसको क्लियर करोगे, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू क्लियर, एंड यू गाइस रियली कैन अंडरस्टैंड कि ये हाँ इस पोएट्री को ऐसे पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट है, इनके अलावा कुछ नहीं करना आपने. सो यू विल क्लियर ईच एंड थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. बड़ी सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए. तो नेक्स्ट पार्ट से इसके क्वेश्चन होंगे ना. यस वी हैव द क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो पहला क्वेश्चन लिखना है एन एपिस्टल टू आर्बुथनॉट इज अ सेल्फ ड्रामेटाइज. एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट पोप सेल्फ ड्रामेटाइज इन द पॉम. उसने खुद को ड्रामेटाइज किया. डिस्कस मैकफ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक पॉम. यस मोक हीरोइक पॉम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग comment on Samuel Johnson's opinion about Dryden's compositions are the effect of the virus genius operating about large materials. ये question कम से कम तीन से चार बार repeat हुआ है IGNOU examinations में. तो please इस question को करना मत भूलें. ये वो चीज है जो आपको बार बार आती है. तो आपने कहा sir yes this we guys can do. Next SS Alexander Pope and Epistle Doctor Arbuthnot as a piece of satire. Yes, it's satire. We know this is satire and we guys need to clear कि satire है तो हमें on tip होना चाहिए. तो कितनी poetry हुई? Just two. The one is MacFlecknoe, the other one an epistle to Dr. Arbuthnot. कितने section हुए? सर दो बढ़ गए. 15 हुई थी, दो ही आ गई. तो almost कितने हो गए हमारे पास? सर almost हो गई 16 in 5 blocks. 5 blocks. सिर्फ और सिर्फ 16 poetries. And still people are saying sir बहुत सारी poetries हैं. Yes, I can understand. Both sorry. Yeah. Come on, next one. Block number 6. So that's romantics. Romantics, William Blake. William Blake, mein main the lamp ko padhta hun. Easy to understand, easy to read, easy to recognize. Yes, it do tell you about the lamb, the innocence of the lamb. Take care how it been connected to the priest. Kaise jodta hai, cheezo kaise highlight karta hai, uska naam bata hai. Second, the chimney sweeper. Songs of innocence, who little boy. The little black boy जिसको छोड़ गए थे. कौन छोड़ गए थे? उसके पेरेंट छोड़ गए थे. कहाँ पे? वहीं पे चिमनी में. जहाँ लगता था तो वो बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, और जाके प्रेयर करने. He was very sad, but they won't bother. See, they are not bothered about him. जो है चलने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा. सीरियसली द नेक्स्ट कलेक्शन द चिमनी स्वीपर. आई रिमेंबर व्हेन माय मदर डाइड माय फादर सोल्ड मी. Lines that connect to you. कहीं ना कहीं मेच्योरिटी को दिखाते हैं. वे ही गेट द अदर पीपल दोस कम इन टच विद देम एंड हाउ थिंग्स चेंज. वो चीज़ें कैसे बदलता है. द राइटिंग स्टाइल सी इज दैट्स टू गुड. लंडन द क्रुएलिटी ऑफ दैट सिटी वाज बीन मेंशन दिस पर्टिकुलर पोएट्री. हाउ द लिटिल किड्स आर बीन ट्रीटेड, हाउ द वुमेन्स आर बीन ट्रीटेड, उसको हाईलाइट करता है. करप्शन ऑफ द सिटी वाज मेंशन इन लंडन. नेक्स्ट टाइगर सर द सॉन्ग्स एक्सपीरियंस में सबसे इम्पोर्टेंट टाइगर. टाइगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है. या द ब्यूटिफुल बीस्ट बट डेंजरस बिकॉज द बीस्ट. टाइगर को हाईलाइट करता है, सिंपलाइज करता है. टाइगर बिकम सिंबल ऑफ वन रिलीजियस मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज गॉड अलाउ एविल टू एग्जिट. व्हाट एविल को एग्जिट क्यों करवा रहा है? अरे यार अच्छा तो बुरा भी है, वीक है तो पावरफुल भी है, उसको डिफाइन करता हूँ. तो बेस्ट क्लास बाय विलियम ब्लेक फॉलोड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड. प्रील्यूड फर्स्ट पार्ट करना था ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड. यस द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड जहाँ उसके फेस को बताता है, उसके एक्सपीरियंस को बताता है. कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या रहा, बचपन में क्या सारा चीज़ों कैसे हाईलाइट करता है. वे ही वॉज बीइंग ग्रीन, कहाँ उसको लगता है ये चीज़ ठीक नहीं हुई, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी. स्पॉट्स ऑफ टाइम दिमाग में जो आ रहे हैं उसके, कहाँ है, क्या है, चेंजेस कैसे बदल रहे हैं, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग. द प्रील्यूड कहीं ना कहीं
कॉन्टिन्यूली वो रिटर्न करती है आपको सेम आइडिया सेम साइंस को जो वर्ड्स वो शो करता है इन हिज वर्क दैट इज एसेंशियलिटी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फहुड दैट इज प्रिल्यूड. तो आपने कहा सर हमारे पास चार पांच पॉइंट्स हो गई सॉन्ग्स सुनोस एंड सॉन्ग्स एक्सपीरियंस देन वी कम टू प्रिल्यूड देन आई कम टू कुबला खान The palace, yes, the palace series is both important. Like Kubla Khan, sir, it is known as a fragmented dream. Yes, the fragmented dream. Jo about Kubla Khan thi from the very beautiful images that come in your heart regarding the palace, the river, the sea, and that decorative class that only shown by the writer in that poet. Because dream tha, it's a vision. Yes, it's a vision. Jo aapko aaya aur uske baad aapne उसको कैसे क्लियर किया कैसे सोचते हैं हाउ यू डील विद इट उस साइज से बताई गई. कुबला खान पेपर में बार बार पूछा थी एक नहीं कई बार पूछा थी. उसके बाद हम करते हैं डिजेक्शन ऑट की बात. ये पेपर में आ गया डिजेक्शन ऑट अब डीपली पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म है. यस इट्स अ डीपली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म बिकॉज इट डील विद अ मेंटल स्टेट. यस एट द टाइम आप इसे सबलाइन हार्ट रीडिंग फॉर्म कहो तो गलत नहीं होगा. Somehow, कहीं ना कहीं कॉलेज गिव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस और डबल कॉन्शियसनेस जब चीज़ें समझ नहीं पा रहा था द पावर ऑफ द फीलिंग हैज बीन पैरालाइज केमिकली इन डाउट्स द एक्साइटमेंट दैट वाज बोर्न इन द माइंड ऑफ द पीपल और द ब्रेन. यस कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है जहाँ उसको अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करता है बट ऑनेस्टली नथिंग फ्रॉम द आउटसाइड कैन रिस्टोर हिम द सोर्स ऑफ सोल लाइफ आर विद हिम. हर चीज़ अंदर से चलती है. व्हेन समबडी रिजेक्ट यू व्हेन समबडी सेज नो टू यू When you get rejected or feel cheated in love, तो क्या impact आता है? How you handle the situation? That's about the rejection knot. So block 6 complete. तो अपने block 6 complete. So block 6 में कितनी poem है? मेरे पास 3 poem, 1 4 और 4 8, almost 10 poetries यहाँ पे हुई. आपने कहा 10 poetries from this block. Yes, 10 poetries from this block. तो सर हो गई 26. काउंट करते हैं मैं बताता जाऊंगा. अब आपने कहा सर अगला ब्लॉक उसमें सिर्फ दो ही आएंगी ये गारंटी जस्ट टू. तो यहां से आगे चलते हैं तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी लिख लेना है. इट्स टाइम टू राइट ऐसे टाइप क्वेश्चंस टू. ऐसे टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट आता है जस्ट विद द टाइटल और द प्रीलूड द ग्रोथ माइंड. सर अगर इसको मैं बोलूँ अगर वहां पर क्वेश्चन आता है आपको क्रिटिकली इवेल्युएट प्रीलूड तो भी आंसर यही है चीजों डिफाइन करना है. डिस्कस कुबला खान एज एलिगोरिकल पोएम. एलिगोरिकल पोएम कुछ चीजों डिफाइन करते हैं ना डिफरेंट वे कुछ अलग कुछ पूरी तरह से विजन पे हो. यस विजन विजन दैट यू सीन इन ड्रीम उसको डिफाइन करता है. टू क्वेश्चन मोर देन अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. कम अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक नंबर 7 सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स. द फर्स्ट पोएट इज टेंथ ऑफ लाइफ. यस दिस पोएम इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर बीइंग द रियलिटी. एक्सप्लोनेशन ऑफ द नेचर बींग द रियलिटी क्योंकि शैली अपने आप को खुद पेंटेड वेल में डिफाइन करता है. इमॉर्टल स्पिरिट की बात करता है जहाँ पर हम कॉन्कर करते हैं लव को डेथ को फेम को चेस्टिटी को डिविनिटी को टाइम को एंड ड्रीम एंड देन विजन क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे को कॉन्कर करती है चीज़ें कॉन्कर करती है इसको वो उसको एट द लास्ट गॉड कॉन्कर एवरीथिंग द फेम इज द फेम से ऊपर तो गॉड है. तो टेंथ ऑफ लाइफ यस ट्रिम जीतना है यार जीत बहुत इम्पोर्टेंट तो आप उसको डिफाइन करते हो उसके पॉइंट्स को बताते हो. देन वी हैव हाइपेरिन दिस ऑल अबाउट द बैटल बिटवीन गॉड एंड गॉडेसेस. सो दिस ऑल अबाउट टाइटंस यस टाइटंस एंड ट्रोजन्स उनके बीच की लड़ाई को डिफाइन ओलंपियाड्स यस नेपटून को हराते हो उसी के बेटे हैं क्या हराते हैं वो इस वॉर में एक आदमी नहीं हारा वो बिल्कुल वैसे ही जैसा था टॉकिंग अबाउट हाइपेरिन द सन गॉड उसकी पावर को डिफाइन किया गया वो क्या है कैसे करता है करने का तरीका क्या है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होने चाहिए. जब ये कॉन्सेप्ट ऑन टिप होंगे आप चीज़ों को बड़ा आराम समझ लोगे. यस सर क्वेश्चन बनता है एस टाइप क्वेश्चन. यस वी हैव द एस टाइप क्वेश्चन. सर डिस्क्राइब शैली एज अ रोमांटिक पोएट. यस ही इज अ अब रोमांटिक सर टेंथ ऑफ लाइफ में रोमांस दिखता है बिल्कुल दिखता है बहुत पॉजिटिव लेता है चीज़ों को. क्रिटिकली कमेंट ऑन द टेंथ ऑफ लाइफ एज एन इनकम्प्लीट पोएम इंटरप्रेट्स. Yes, incomplete poem, sir, he died while he was writing this poetry, he died. So, incomplete poetry है पूरी तरह से आप उसको कैसे लिखते हैं लिखने का तरीका क्या साइज दिख लेंगे. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ हाइपेरियन. मैंने बोला ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे. डिस्कस हाइपेरियन पॉलिटिकल एलिग्री. पॉलिटिकल है सर देखो वॉर चल रही
पहले कोई और रूल कर रहा था, कोई और रूल करने आया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्री तो है, उसको डिफाइन किया उन्होंने, उसको पूरा बता रहा है क्या चेंजेस है, कैसे होंगे, काम कैसे कर रहे हैं, सब बताए गए हैं, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। तो ब्लॉक 7 पोएट्रीज के नंबर टोटल 28, सो 3 हो रहा है अभी, सीरीज 3 ब्लॉक स्टिल रिमेन देयर। द नेक्स्ट वन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि इसको प्लीज घोट के भी लेना, इसका क्रिटिकल कमेंट भी अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में आपको मिलने के पूरे चांस हैं। दैट इज पॉफिया लवर बाय रॉबर्ट पॉनिंग। पॉफिया लवर गर्ल हु लव्स यू, और आपने उसे शादी से एक दिन पहले बुलाया, यू गेट इन दर, यू गेट इंटीमेट एंड यू किल्ड हर, वेरी परफॉर्मिंग सेक्स विद हर, यस यू किल्ड हर एंड यू आर सेइंग शी वाज हैप्पी, व्हेन आई वाज किलिंग शी वाज हैप्पी एंड गॉड वाज इन माय साइड, क्योंकि गॉड ने कोई मना नहीं किया मुझे, उसने कोई सिंबल नहीं दिया, मतलब सीरियस इज साइको मैन, ही किल्ड द बिलव्ड हु केम टू मीट हिम सीरियसली, द नेक्स्ट शी इज गोइंग टू गेट मैरिड बट यस शी केम टू मीट मी एंड आई किल्ड हर, दैट इज पॉफिया लवर, द बेस्ट एग्जाम्पल। देन द बिशप ऑर्डर इज स्टॉर्म एट द सेंट प्रैक्स चर्च, सो दिस पोएट्री इज ऑल अबाउट मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यस दिस ऑल अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाई द ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि चीजें वो हाईलाइट करता है, सो यस स्पीकर ना एक करप्ट आदमी है, Yes, a corrupt old man, Italian Renaissance bishop, who wasn't that bad, but can only talk of his lavish tomb and wants his many illegitimate sons to build for him. Sir, kai bachche hain uske, ek nahi kai, wo chahta hai mere liye ek tomb bana dena. Have you spent a life with seeking status, wealth and power and can't affect the life of somebody who is an obsession designed to cover something? So it's all about a selfish, greedy and hypocrite. The poetry suggests it has become their own punishment. Yes, it is their own punishment. So, one of the easiest and must read poetry, The Bishop Order is Storm at St. Patrick's Church. Fra Lippo Lippi said about the poet, yes, about the poet, from again the works of dramatic monologue by Robert Browning. So, collection was the Men and Women, yes, Men and Women collection, 1855, I hope. It's from the collection of 1855 of Men and Women collection, जिसमें वो फ्रा लिपो लिपि बात करता है, the great painter, yeah, who was caught by the guard in a red light area. So the guard was been asking, what the hell you're doing here? And he simply replied, what the people will do in red light area? Why are you asking such a silly question? Just leave my collar. You don't know who am I? और जो उसको बताता है, तो he was shocked too. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा हर चीज को समझोगे, क्लियर करोगे, एंड देन इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि हम चीजों बड़े आराम से समझ पा रहे हैं। दैट्स फ्रा लिपो लिपि फॉर यू। देन वी हैव द ब्लेस्ड डैमोजल। सो द ब्लेस्ड डैमोजल के क्लियर करनी है तो कुछ चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, जैसे कि सर ब्लेस्ड डैमोजल डेंटे गैब्रियल की पोएट्री है, जहां वो हाईलाइट करता है वुमेन ट्रैप्ड इन अ हेवन एंड द मैन स्टक ऑन अर्थ। बीवी मर गई है, चलेगी हेवन, और आदमी आ रहा है बेचारा, उसको याद कर रहा है, सपनों देख रहा है कि उससे मिल रहा है, गॉड उसको मीट करवा रहा है उससे, लेकिन सपने टूट जाए तो अच्छा नहीं होता, वो यहाँ डिफाइन किया गया। द ब्लेस्ड डैमोजल फ्रॉम द बेस्ट पोएट्री। नेक्स्ट वन, बैलेड ऑफ रीडिंग जेल। एक आदमी जेल में आता है, यहाँ पोएट जेल गया था, उस फाइल की बात कर रहा है, जेल में गया था, जब जेल में गया था कुछ 2-3 साल जेल में रहा, तो वहाँ एक आदमी था जो अपनी वाइफ का खून करके जेल में आया था, जब आया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस तरह की कोई बोलिंग है, या ही वॉज पनिश्ड इन हैंग किल दैट, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब ठीक चल रहा, बट लास्ट डे ही क्राइड अ लॉट बिकॉज़ ही वांट टू लिव, बट उसके मन ने ये बात ना सबको लेके को दिखाया, लुक दिस यू एंड, तो सुधर जाओ टाइम है। सो ये पोएट्री हमें ऑन टिप होनी चाहिए गाइस। सो ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यस एट टाइम टू क्रिटिकल एप्रिशन ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजल, पहला। नंबर टू, आप कहते हो सर पॉफिया लवर और चाइल्ड रोनाल्ड टू डार्क टॉवर केम, सर ये तो आपने पढ़वा ही नहीं हमें, मैंने एक्सप्लेनेशन बता रहा ना यार, खाली आरती से भी नहीं आती पर यहाँ आ जाती, इसलिए इसको यहाँ पढ़ लेना। और सर डार्क टॉवर केम बहुत ईजी है, जहाँ डिफाइन किया गया उसने फेस को हाईलाइट किया, क्या है ड्रामेटिक मॉनोलॉग, अगेन ड्रामेटिक मॉनोलॉग उसको बताता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, वो डिफाइन करता है चीज़ें कैसे बदल रही हैं। यहाँ इट्स ऑल अबाउट अ डेड कॉमरेड, यस इट्स ऑल अबाउट डेड कॉमरेड, जो इमेजिनड बी हो रहा आर नॉट एक्चुअली देयर, जो अब नहीं है, था पर है नहीं, तो हमें क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 9, सो दैट इज
सर दो ही तो पोइट्री है सर, दैट ब्लॉक नंबर 9। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना होगा सर, चार यहाँ हुई 26, 28, देन चार 32, टू ब्लॉक्स रिमेनिंग। यस टू ब्लॉक्स रिमेनिंग सर, दो ब्लॉक तो अभी बाकी है एंड दैट्स ब्लॉक 9 एंड 10। ब्लॉक 9 में सिर्फ तीन पोइट्री जो आपको करनी है, ईस्ट 1916, यस एंड द वेस्ट लैंड, ये दो आपने करनी है ब्लॉक 9 सिर्फ। जिसको ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर सकता है, मैं मना किसको नहीं कर रहा। जो पेपर के पॉइंट से वो दो हैं, ईस्ट 1916 और द वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड पाँच पार्ट में बढ़ती है, द बैरियर ऑफ डेथ, द गेम ऑफ चेस, द फायर सामन, द बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेट। ये पांचों पार्ट अच्छे से करना है यार, क्योंकि अगर ये गड़बड़ कर दिए तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे। ईस्ट 1916 सर, दिस ऑल अबाउट द डीड्स ऑफ मैन, अलग अलग फेज में डिफाइन करता है, अलग अलग सेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन करता है एंड यू गेट टू नो कि हाँ यार ये है चीज़ें जो मुझे समझनी हैं। सो क्वेश्चन सर, क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिटिक एनालाइज द पोम सेलिंग टू बेंजामिन। आपको एनालिसिस आनी चाहिए, मैंने यहाँ दे दी। जस्ट टू नो द एनालिसिस, तो यस यू हैव द एनालिसिस हियर। सेकेंड कहता, व्हाट द थंडर सेट इन वेस्ट लैंड इज द ओनली बेस्ट पार्ट जस्टिफाई द पोम। यस आई शुड गो टू दिस पार्ट। लास्ट कमेंट द मिथ इमेजरी एंड सिंबलिज्म वेस्ट लैंड। सब मिथ है, इमेजरी है, वेस्ट लैंड में मेंशन किया गया, वो सब हमें आना चाहिए। यस अगर वो आता हो तो चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो दो पोइट्रीज यहाँ गई, आपके हो गए 34। नाउ कम टू द लास्ट ब्लॉक सर। लास्ट ब्लॉक कौन कौन सी पोइट्री करनी है, मिस्टर बिल ने करनी है, फन हेल करूँ, फन हेल कर लूँ, बिल ने करनी है नहीं करनी आपको छोड़ देना है। मिस्टर बिल ने इजी टू डू, फन हेल सर चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड फ्लैश बैक्स दिमाग में आ रहे हैं, फ्लैश बैक्स आ रहे हैं दिमाग में, आप उनको याद करते हैं, यू गेट थिंग्स क्लियर इन योर माइंड, क्या ये है ऐसे हो रहा है, आई रिमेंबर अगेन फ्लैश बैक्स। चर्च गोइंग, एक आदमी चर्च में जाता है उसको अच्छा लगता तो जाता है, लेकिन सोचते हैं यार इनका क्या होगा, सीरियसली वॉट गोइंग टू डू दीज प्लेस, द बिग प्लेसेस काफ़ी सारे हैं, कैसे होगा कैसे चलेंगे। विल्सन वेडिंग, वो शादी हो रही है किसी की, वो देख रहा है उस दिन पे ऑलमोस्ट सारे गरीब शादी करेंगे, टैक्स फ्री है उस दिन, जर्नी कर रहा है, ट्रेन जर्नी हो तो ट्रेन जर्नी वो चीज़ देखता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। द कॉलर्स सिल्विया कहते हैं सुसाइड के केसेस कॉलर्स को हाईलाइट करता है। कॉलर्स बेसिकली सिल्विया पैथ की इनकम्प्लीट फॉर्म थी, जो चीज़ों को क्लियर करती है और कॉम्प्लेक्स वर्जन में डिफाइन किया। जब पोइट के सोरो आफ्टर फादर्स डेथ एंड द इमेज एंड स्टैचू, उसको हाईलाइट करता है द कॉलर्स, वो स्टैचू को देखना, उसको क्लियर करना, डैडी कनेक्टिविटी, अगेन कनेक्टिविटी विद डैड। लेडी लेजर्स उसके एक्सपीरियंसेस को बताता है, जो हुआ उसके साथ लाइफ में जो हुआ सारी चीज़ें बताता है। तो भाई ये थी वो पोइट्रीज जो आपको आनी चाहिए थी। आपने कहा सर सिक्स पोइट्रीज है, 32 and 6, 38, यस द मैक्स 38 पोइट्रीज यू गाइस नीड टू डू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अब अगर कोई कहता है यार ये भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 डेज वे अभी ना है, और अगर ये ज़्यादा है फिर आपके लिए सब कुछ ज़्यादा गाइस। ब्लॉक नंबर 10 के क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए, कमेंट ऑन द थीम ऑफ डेथ एंड सुसाइड इन अ पोएट्री। सिल्विया प्लेथ की पोएट्री में डेथ और सुसाइड को हाईलाइट किया गया, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा था गाइस। इसमें आप लेडी लेजर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, डैडी को डिफाइन कर सकते हो। क्रिटिक एनालाइज चर्च गोइंग और विल्सन वेडिंग, दोनों में से किसी एक को एनालाइज करना होगा। थॉमस डाल ने इमेजेस को यूज किया अपनी पोएट्री में, वो आपको आना चाहिए। Yes, these are the questions that you guys need to prepare. Wish you all the best. किसी को doubt होता है comment box आपके लिए। बीच में मैं आता रहूँगा with short tips and tricks. All you there.